न्यूज़ पर स्वागत है आपका। जी हाँ, कोरोना के युग में जी हाँ बहुत सारे मास्क आए, लेकिन लोगों के मास्क से चेहरे ढक जाते थे, उनकी पहचान कौन है पता नहीं चलता था। ऐसी में फोटो तकनीक से मास्क बनाने में जिस पर व्यक्ति को फोटो लगी हुई मास्क पर और व्यक्ति की पहचान आराम से हो सके, ऐसे मास्क लगाने की बिल्कुल पाली में मुहिम शुरू हुई। ऐसे में पाली के एक स्टूडियो में मास्क के कपड़े ले लाकर व्यक्ति की फ़ोटो एक्सपोजिंग करके उस फोटोशॉप के मास्क पर जितना चेहरा ढक जाता है उतना ही चेहरा फिनिशिंग कर दिया जाता है। एक पेपर पर प्रिंट कर उस पेपर को हॉट प्रेस के द्वारा टेक्निकली बहुत ज़्यादा सुदृढ़ जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा विशेषज्ञों द्वारा मापदंड के अनुसार ताप दिया जाता है, जिससे वह फ़ोटो मास्क पर लग जाता है और वापस अनेकों कंपनियों के मास्क तैयार हो जाते हैं। तरह तरह के चेहरे उस पर लग जाते हैं और जिस प्रकार से वो मास्क लगाता है व्यक्ति तो उसका चेहरा छुपता नहीं है। ऐसे प्रयास किया जा रहा है कि आगामी दिनों में अनेकों कंपनियां अपने नाम का मास्क बनवाएगी, वहीं शादी में दूल्हा दुल्हन भी नाम के मास्क लगे नज़र आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, इस को लेकर हमारे साथ में रूबरू देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है पूरा, और पाली के स्टूडियो जो है उनके जो टेक्निकली है एडवाइज़र वो विशारद जोशी हमारे साथ में सुंदरपुर न्यूज़ पर रूबरू हुए। सुनिए क्या कह रहे हैं विशारद जोशी खुद। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से पहचान नहीं सकता मास्क लगाने के बाद में। अगर फोटो वाले मास्क पहनेंगे तो हम एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इसके अंदर कंपनी के लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं मास्क के ऊपर, दूल्हा दुल्हन के नाम भी प्रिंट हो सकते हैं। अपन जो चाहे, अगर क्लाइंट अपनी जो फरमाइश करके भी एक मास्क के ऊपर ही प्रिंट होना चाहिए, वैसे कोई भी चीज़ प्रिंट हो सकती है। क्योंकि लेयर 3 लेयर के लेयर में मास्क अवेलेबल है। इसकी उपयोगिता क्या है फोटो मास्क की? इसकी उपयोगिता यही है कि कोई भी मास्क पहन गया तो हम दूर से पहचान नहीं सकते भाई कौन व्यक्ति आ रहा है, और मास्क पहनने के बाद अगले को पहचान सकते हैं ये कौन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, रिको शिवगंज के इंडस्ट्रीज एरिए में 5 फीट लंबा कोबरा सांप आ गया। जी हाँ, शिवगंज रिको इंडस्ट्रीज एरिए के विपुल इंडस्ट्री में सांप आने पर सर्प विशेषज्ञों को इस बारे में जानकारी दी, जिस पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए टीम के लोगों ने पहुंचकर इस प्रैक्टिकल कोबरा प्रजाति का 5 फीट लंबा सांप को रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे जंगलों में छोड़ने का कार्य किया और बिल्कुल लोगों को मुहिम में छोड़ा। आगे क्या सुनिए क्या कह रहे हैं जिला कलेक्टर। इसके अंदर 2 रोबोट से 4 सुजत से 5 बिसुरी से 2 मारवाड़ जंक्शन से 5 बाली से हैं, 1 अभी अनोन है जिस पर एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि जस्ट अभी रिपोर्ट आई है। इसका कुल पॉजिटिव जिले में 549 रिकवरी आज 11 हुई है। 2 पाली सिटी से हैं 2 पाली ग्रामीण से हैं, 3 सोजत से हैं, 1 दसूरी से हैं, 2 मारवाड़ जंक्शन से हैं और 1 रानी से हैं। इसको मिला के कुल हमारे रिकवर 277 हो गए हैं, 277, और एक्टिव केस 265। आज की जो सैंपलिंग हुई है वो 681 हुई है। कुल सैंपल जिले के अंदर 12,941, लगभग 13,000 सैंपल हो चुके हैं, और इनमें से अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट को हटाते हुए लगभग 2,000 सैंपल हैं जो आज की पेंडिंग है। तो हमारी जो मेडिकल कॉलेज की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो जैसा हम लोगों ने फोकस करके कोशिश की थी उसको 1,000 पहुँचाने की, वो 1,000 पहुँच चुकी है। केसेस के अंदर 37 केस आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, 34 HDH सोजत में है, 187 हमारी केसेस कोविड के सेंटर के अंदर आज के डेट में। इसके अलावा जो गेहूं और चने की दाल का चना जो है, साबुत चने का जो वितरण करना है, उसके संबंध में पूरी बैकएंड एक्सरसाइज हो चुकी है। फर्स्ट फोकस हमारा रहेगा जो भी प्रवासी हैं, जो भी माइग्रेंट्स हैं जो कि बाहर से हैं, और उन सबका
जितना इतना गेहूँ और चना है उसके संबंध में भी ऑर्डर जारी करते जाएंगे। गेहूँ का ऑर्डर अब तो भी चालू हो जाएगा और 7 तारीख तक हम आशा करते हैं दुकानों तक पहुँच जाएगा। और 8 तारीख से 2 से 3 दिवस के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी लोग आए उनको हम जो गेहूँ और चने का जो हमारे को वितरण करना है हम उसको कराएंगे। सर चना साबुत चना साबुत चना देंगे तो पिछली बार चने की दाल दी थी। चने की दाल में बीच में कुछ समस्या आई थी कि थोड़ा सा अगर गीली होती है तो भार ज़्यादा होता है, जब जब तक पहुँचती है तब तक उसका भार थोड़ा कम होता है। साबुत चने में मेरे हिसाब से कुछ समस्या नहीं होती तो इसलिए थोड़ा काम। थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, मौसम ने मिजाज बदला है और सुमेरपुर सिरोही रानी व तखतगढ़ क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। जी हाँ, पूरे क्षेत्र में शानदार बारिश हुई है। शिवगंज समेत कई क्षेत्रों में शानदार बारिश हुई है। जी हाँ, बहुत ही